हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। तो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है फर्स्ट एड सेफ्टी। ऑफिस हो, घर हो, या फिर जब आप ट्रेवल कर रहे हो, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो किसी भी टाइम फर्स्ट एड की जरूरत हो सकती है। तो आपकी ऑफिस में, घर पे, या फिर ट्रेवल करते हुए गाड़ी में या स्कूल में, हर जगह फर्स्ट एड किट का होना जरूरी है। और फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना काफी जरूरी है। तो फर्स्ट एड क्या होता है वो मैं आज आपको इस ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसका नाम है फर्स्ट एड सेफ्टी। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता लगता है कि मुझे अपनी वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग जिसका नाम है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं क्या होता है। प्राथमिक चिकित्सा किसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ के पहुंचने से पहले चोट लगने वाले या अचानक बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को तत्काल दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार बोला जाता है। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य उपलब्ध साधनों से रोगी की प्राण रक्षा, स्वास्थ्य लाभ में मदद करना, बिगड़ती स्थिति को रोकना और बाद में होने वाली जटिलताओं को कम करना होता है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है। इसके प्राथमिक चिकित्सा के तीन उद्देश्य होते हैं। पहला, जीवन संरक्षण। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य मरीज या बीमार व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। दूसरा, स्थिति को ज्यादा खराब होने से बचाना। इसके लिए बाहरी और आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इसीलिए बाहरी तौर पर मरीज या घायल को उसके कष्ट या पीड़ा के कारण से दूर ले जाया जाए और आंतरिक तौर पर उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को बिगड़ने से बचाया जाए। तीसरा, रोग मुक्त होने में सहायता करना। रोगी को दवाई और मरहम पट्टी देकर उसे निरोगी और पूर्णतः स्वस्थ करना प्राथमिक चिकित्सा का तीसरा उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी क्या होती है? प्राथमिक उपचार शुरू करने से पहले सबसे पहले मरीज की जांच के लिए तीन चीजों की अहमियत दी जाती है, जिसे संक्षेप में प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी के नाम से जाना जाता है। वो है, पहला, ए फॉर एयरवेज, मतलब वायु मार्ग। प्राथमिक चिकित्सा के प्रथम उद्देश्य अर्थात जीवन की रक्षा से संबंधित है। किसी के प्राणों को बचाने के लिए यह निश्चित करना जरूरी होता है कि उसके वायु मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं है। दूसरा, बी फॉर ब्रीथिंग, वायु मार्ग जांचने के बाद यह देखना चाहिए कि मरीज सचेत अवस्था में हो और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ न हो। सी फॉर सर्कुलेशन, अंत में यह देखा जाता है कि मरीज के खून का प्रवाह हो रहा है या नहीं, जिसके लिए उसकी नाड़ी का निरीक्षण किया जाता है। ए बी सी के बाद तीन बी यानी थ्री बी एस बी मतलब ब्रीथिंग, ब्लीडिंग, बोन्स पर ध्यान दिया जाता है और फिर स्थिति के अनुसार उपचार किया जाता है। तो ये ए बी सी और थ्री बीज है। प्राथमिक चिकित्सा की किट, मतलब जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की पुस्तिका, रुई, गोज, बड़ी पट्टियाँ, बड़ी त्रिकोणीय पट्टी, सेफ्टी पिन, चिपकाऊ पट्टी, कैंची, दस्ताने, चिमटी, गर्म पानी की बोतल, बर्फ की टोपी, टार्च, जीवन रोधक मलम, जीवाणु रोधक द्रव, ताप मापक मतलब जो थर्मामीटर बोलते हैं वो, दवा। इंग्लिश में देख लेते हैं, फर्स्ट एड किट मैनुअल, कॉटन स्टिच केज, डिफरेंट साइजेस बैंडेज, बिग ट्रायंगुलर बैंडेज, सेफ्टी पिन, एडहेसिव टेप, सीजर्स, डिस्पोजल ग्लव्स, फोर्सेप्स, हॉट वाटर्स, कोल्ड पैक, फ्लैश लाइट्स, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, क्लिनिकल्स, ये हैं। शोक, अब फर्स्ट एड किस प्रकार किस स्थिति में कब कब
क्या क्या करना चाहिए और शॉक लगने पर क्या करना है। रोगी को पीठ के बल लेटा देना है, पांव की ओर बिस्तर को ऊंचा कर देना है। यदि खून ज्यादा बह रहा हो तो उसे रोकना है। जख्मी भाग को सहारा देकर दर्द में कमी लेके आना है। रोगी को आरामदायक स्थिति में ले जाना है। रोगी को पसीना नहीं आने देना। यदि रोगी सचेत अवस्था में हो तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे तरल पदार्थ पिलाना है। रोगी को आश्वासित करते रहना है और चिकित्सा सहायता की तत्काल व्यवस्था करना है। मतलब डॉक्टर को, डॉक्टर की व्यवस्था आपको तुरंत करनी है। कृत्रिम श्वास क्या होता है? मुंह से श्वास देना आपातकालीन स्थिति में यह उचित और प्रभावी तकनीक है। इसे सीपीआर भी बोला जाता है। सिर को थोड़ा पीछे की ओर रखें और जबड़ा खोल दें। हवा बाहर निकलने से रोकने के लिए अंगूठे और तर्जनी उंगली से रोगी का की नाक बंद कर दें। गहरी सांस लें, उस अपना पूरा मुंह खोलें और रोगी के मुंह पर कस कर रख दें। जल्दी से पूरा श्वास रोगी के मुंह में निकाल देना है। रोगी से अपना मुंह हटाएं और उसे शांति से सांस बाहर लेने दें। इस प्रक्रिया को आपको 12 से 15 बार दोहराना है। डॉक्टर के आने तक इसे आपको 12 से 15 बार दोहरा देना है। इसको सीपीआर भी बोला जाता है, जो काफी लाभदायक होता है। चेतावनी, सीपीआर के दौरान साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, शाकाहारी और ऑर्गेनिको फास्फेट जैसे जीव विष मौजूद होने पर मुंह से कृत्रिम श्वास न दें। चेहरे पर मास्क, थैला या कोई उपकरण लगाकर ही सीपीआर देना है। यदि श्वास देने वाले व्यक्ति या रोगी को एक दूसरे से एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग, सिम्लेक्स, आयरन या सिम्लोना का संक्रमण होने की संभावना है तो सीपीआर नहीं देना है। ऐसे मामले में मध्यस्थ हवा मार्ग उपकरण का प्रयोग करें और जो श्वसन और रोकथाम दोनों में काम कर सके और हर समय तुरंत उपलब्ध हो सके। अगर रक्त बह रहा हो तो उस टाइम क्या करना है आपको? अंगूठे या उंगली से सीधा दबाव डालें, घाव पर गोज पैड रखकर पट्टी बांधें। शरीर के कुछ दबाव बिंदुओं पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना है। रक्त बंद पट्टी का उपयोग करना है। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है। तो ये खून बहते समय आपको फर्स्ट एड करना है। हड्डी टूटने पर आपको क्या करना है? हड्डी टूटने के लक्षण क्या होता है? अगर हड्डी टूट गई है तब कैसे पता लगेगा? दर्द, दबाने से दर्द, सूजन, शक्ति ह्रास, अंग विकृति यदि अन्य कारणों से रोगी की जान को कोई खतरा न हो तो रोगी को हिलाए डुलाए नहीं। रक्त स्राव और श्वास संबंधी कठिनाइयों का उपचार करें। किसी उपयुक्त खरपंची से टूटी हड्डी को स्थिर कर दें। स्थिर करने में एक जोड़ टूटी हड्डी के नीचे और एक ऊपर होना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। ये हड्डी टूटने पर आपको फर्स्ट एड करना है और उसके लक्षण का भी आपको पहले लक्षण का पता लगाना है, फिर उसका प्राथमिक उपचार करना है। अगर कोई जल जाए तब क्या करना है? प्रभावित भाग पर बहता ठंडा पानी डालना है। जले हुए भाग पर कोई मलम या तेल आपको कोई चीज नहीं लगाना है। जली हुई त्वचा को हटाने या फफोलों को फोड़ने का प्रयास नहीं करना है। घाव को रोगाणु रहित कपड़े से ढक देना है। यदि आवश्यकता हो तो कृत्रिम श्वास देना है। शोक से बचाए उसे बेहोश होने से बचाना है और चिकित्सीय सहायता की तुरंत व्यवस्था करना है। ये जल जाने पर आपको फर्स्ट एड करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो फफोले होंगे उनको कभी भी फोड़ना नहीं है आपको। अगर नक्सीर आ जाए, नाक से खून बहे, तो तब क्या करना है? रोगी को कुर्सी पर इस प्रकार बिठाएं कि उसका सिर झुका रहे। उंगलियों और अंगूठे से रोगी की नाक को दबाना है। खून को बहने से रोकना नहीं है। रोगी के नथुने बंद नहीं करने हैं। नथुनों में पानी या कोई दवाई नहीं डालनी है। चिकित्सा सहायता के लिए तुरंत डॉक्टर के पास भेज देना है। कभी भी उस पे सर पे ठंडा पानी भी नहीं डालना है आपको। तब नक्सीर आए तब आपको ये काम नहीं करना है। सांप के काटने पर आपको क्या करना है? धीरज बंधाएं। प्रभावित व्यक्ति को चलने या भागने ना दें। घाव
को पोटेशियम पर मैग्नेट से या साबुन से साफ कर दें, खून को बहने दें, घाव को चूसे नहीं, रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करें, रोगी को ले जाते समय उसे लेटाकर ही ले जाएं। कई बार ऐसा होता है जो फिल्मों में देखकर लोग घाव चूसने लगते हैं, वो आपको नहीं करना है। कई बार लोग शौक से भी मर जाते हैं, तो उसको हमेशा धीरज बनानी है। कुत्ते के काटने पर आपको क्या करना है? घाव को तुरंत पानी से साफ करना है, उसके बाद एंटीसेप्टिक साबुन या पानी से घाव को साफ करना है, खून को बहने से रोकना नहीं है, घाव को ढके नहीं, उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ये कुत्ते के काटने पर फर्स्ट एड करना है। अगर कोई कीट काट ले, कंपनी या बाहर कहीं पे भी कोई कीट काट ले, तब क्या करना है? डंक को निकाल दें, ठंडी सिकाई करनी है, पानी में सिरका मिलाकर लगाएं, सोडा बाइकार्बोनेट का पेस्ट लगाएं, उसको सदमा ना लगने दें, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। सदमा मतलब बेहोश ना होने दें उसे। ये उसकी फर्स्ट एड करनी है आपको कीट के काटने पर। कीट मतलब मधुमक्खी हो गया, ततैया जैसी चीजें। आंखों में कोई रसायन गिर जाए तब आपको फर्स्ट एड क्या करना है? कम से कम 15 से 20 मिनट तक आंखों को फ्लश से धोना है, जीवाणु रहित ड्रेसिंग करनी है, किसी प्रकार की दवा या मलहम का प्रयोग नहीं करना है, और रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास भेज देना है। ये सबसे अच्छा उपाय है कि फ्लश आंखों को फ्लश करें कम से कम 15-20 मिनट तक। दम घुटने पर क्या करना है? ग्रसित व्यक्ति को तुरंत उस जगह से बाहर निकाल देना है जहां पर उसका दम घुट रहा है, खुली हवादार जगह पर ले जाएं और उसको लुटा दें। सांस नहीं आ रहा तो उसको CPR देना है, रोगी को तुरंत अस्पताल भेज देना है। तो ये दम घुटने पर फर्स्ट एड करना है। दम वहीं पर घुटता है जहां पर कन्फाइंड प्लेस हो। बिजली का झटका लगने पर तक क्या करना है? यदि किसी को बिजली ने पकड़ लिया है तो उसे स्पर्श नहीं करना है, तुरंत बिजली का मेन स्विच ऑफ कर देना है। फर्स्ट एड का प्रयोग तब तक ना करें जब तक व्यक्ति बिजली के संपर्क से अलग न हो जाए, खुले हवादार स्थान पर लेटा दें। अगर जरूरत हो तो हाथ पांव की मालिश करें और CPR दें, तुरंत अस्पताल के लिए रोगी को भेज दें। ये आपको फर्स्ट एड करना है जब किसी को बिजली का झटका लगे। अगर कोई बेहोश हो जाए तब क्या करना है? प्रभावित व्यक्ति को सिर एक तरफ करके पेट के सहारे लेटा दें, श्वास और नाड़ी को चेक करें, तंग कपड़ों को ढीला कर दें, हवा को साफ करें, CPR और बाहरी कॉर्डियल मालिश करें, तुरंत अस्पताल के लिए रोगी को भेज दें। तो ये बेहोश होने पर फर्स्ट एड है। तो ये थी हमारी आज की ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? कमेंट्स और आपके सुझाव का स्वागत है। मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।